पहले तो इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर तुम लोग को वीडियो में कोई कमी लगे या फिर कोई मिस्टेक लगे तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दिया करो ताकि मैं उसे रिपेयर कर सकूं। हेलो गाइस, दिस इज वेकेमिंग एंड यू आर वाचिंग द न्यू सीरीज माफिया डेफिनेट एडिशन। तो इस गेम में कुछ ऐसा है कि ये टाइम सेट है 1930s पर, और भाई साहब उसमें एक ऐसा बंदा जो टैक्सी ड्राइवर से एक माफिया बना उसकी स्टोरी दिखेगी। वेपन्स वगैरह भी पुराने होंगे और भाई साहब गाड़ियां भी पुरानी होंगी, और हमें जो भाई घर दिखने वाले हैं वो भी बहुत पुराने होंगे। तो स्टोरी भी बड़ी मज़ेदार है, गैंग वॉर्स है इसके अंदर, और भाई साहब बहुत कुछ है। तो इस बात के मेहनत से भाई साहब साइन ले लो कि तुम्हें इस एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपनी सीट पे भाई साहब आराम से बैठ के फुल स्क्रीन कर लो, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं द स्टोरी मोड में, तो चलो भाई साहब स्टार्ट करते हैं। अभी जो है हम लोग डिफिकल्टी जो है वो मीडियम पर भाई साहब सेट कर लेते हैं ताकि हमें मज़ा भी आएगा, ठीक है। सिलेक्टेड है बेस्ड ऑन एन ओरिजिनल गेम बाय इल्यूजन सॉफ्टवर्क्स। तो तुम लोगों को पता है कि एक डेफिनेटिव एडिशन है, यानी कि एक हाई ग्राफिक वर्जन है एक पुरानी गेम का जो भाई साहब 2000s में शायद से लॉन्च हुई थी। एंड वेलकम टू द ग्रेट सिटी ऑफ लॉस्ट हेवन, जिसके अंदर भाई साहब बहुत सारे माफियाज गैंगस्टर्स जन्म लेते हैं, ठीक है भाई। एकदम सुहाना सा दिन है और देख सकते हो लाइट हाउस तुम लोग को दिख रहे हैं, एकदम बीच वाला माहौल है, और थोड़ी थोड़ी तुम लोग को लिबर्टी सिटी की ये याद दिलवाएगा जो GTA 5 में मौजूद है। और एक प्यारी सी हमारे सामने से एक रोल्स रॉयस टाइप की गाड़ी निकली है जो भाई साहब 90s से 80s में चलती थी, और ये एक मेल कार है जिसमें हमारे ईमेल्स वगैरह सेंड होते थे। तो ठीक है, All right, welcome to Mafia and the main city of Lost Heaven. देख सकते हो क्या प्यारी सिटी है, और कैसे बाइक से धुआं निकल रहा है, नीचे से भाई वेंट से पुलिस वाले हैं, और एकदम प्यारी सी सिटी है, मेरी ड्रीम सिटी जहाँ पे मैं चाहता था जन्म लूँ। और ये भी स्टोरी एकदम थॉमस शेल्बी वाली है, यानी कि द प्लेकी ब्राइडर्स। और ठीक है, हमारे सामने से बसेस वगैरह गुजर रही हैं, और ये डॉन पीटा एस सैम, ठीक है, हमें जो है ना वो कुछ लोगों के बारे में नीचे बताया जा रहा है। और अभी जो है स्टोरी का एकदम प्यारा सा इंट्रो हो गया है। ऑल राइट, डॉन सेलेरी भाई ये नाम हमारे इस गेम के अंदर आने वाले हैं। ये सिटी जो है वो भाई साहब ओरिजिनली वैसे न्यूयॉर्क पर है, और भाई एकदम मज़ा आने वाला है। तो चलो गेम को स्टार्ट कर लेते हैं अपनी को आज। और भाई देख सकते हो कि हमें कौन कौन से लोकेशन से जाना पड़ेगा। ट्रेन्स हैं भाई साहब, बोट्स हैं, और देख सकते हो क्या कमाल की सिटी है। अबे बॉक्स एरिया भाई सब तुम्हारा, ठीक है। ओ भाई 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 कसम से क्या मज़ेदार सा शहर है, और एकदम स्पाइडरमैन टाइप का लग रहा है। ओ भाई साहब आज तो बहुत मज़ा आने आने वाला है हमें को। और देख सकते हो सामने अपने क्रूज शिप है लॉस्ट हेवन क्वीन के नाम से, जिसमें पैसेंजर्स वगैरह आते हैं, और पूरा शहर का आज हमें इंट्रो मिल चुका है, और कसम से कमाल होने वाला है वीडियो। ऑलराइट, तो यहाँ पर ऐसी भाई साहब सस्ती सी जो भाई मेट्रो ट्रेन होती थी वो भी हैं, और ये बंदे कौन हैं जिनकी एंट्री हुई है एकदम माफिया स्टाइल में, लॉन्ग कोट्स पहने हैं, और ये शायद से कोई गैंगस्टर्स हैं इस शहर के अंदर, और बहुत ज़्यादा खुफिया लग रहे हैं। या हो सकता है ये डिटेक्टिव्स हो, क्योंकि हम लोग हुलिये से कुछ नहीं कह सकते हैं, इन लोगों का पता नहीं होता है कौन बंदा क्या है, और इसके हाथ में कोई ब्रीफकेस है, और पता नहीं ये क्या करने जा रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, जैसा कि मेरा शक था ये एक डिटेक्टिव है, और भाई सब सारी की सारी इसके पास है केस फाइल्स अबव डॉन सैलेरी है। थॉमस एंजेलो, डिटेक्टिव नॉर्मन। थॉमस एंजेलो हमारा प्रोटैगनिस्ट, जिसके साथ हम लोग खेलने वाले हैं। ऑलराइट, यू अलोन, नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बैड जस्ट कमिंग इन हियर अनलेस इट्स द हेल्थ इंस्पेक्टर, ठीक है। व्हाट कैन आई गेट यू? जस्ट द कॉफी। ओ भाई साहब, डिप योर बीक। नो थैंक्स, सूट योरसेल्फ, ठीक है। So, you said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. All right. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. ठीक है। हम लोग अपनी इस डिटेक्टिव को स्टोरी बता रहे हैं। तो एक भाई साहब सुहानी सी शाम, जिसमें भाई मैं पहले टैक्सी ड्राइवर था, और दो गैंग्स हैं जो लॉस हेवन में राज कर रही हैं, उनमें एक है द सैलेरीज और दूसरे मोरेलोस। तो अभी जो है आज सैम और पॉली नाम के दो बंदे हैं जो भाई साहब गैंग से कोई से वॉर करके आए हैं, और हमारी भाई साहब उनकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गया। तुम लोग देख सकते हो
बड़े गंदे तरीके से गाड़ी ठोकी गई है और पीछे उनके मोरेलो गैंग के बंदे हैं और एकदम धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं। ठीक है, पॉली उसका हाई साहब जो है ना वो टायर पंचर कर दिया है और उसकी गाड़ी एकदम भाई शहर के ब्रिज को तोड़ गई। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट, गाड़ी की एकदम धज्जियाँ उड़ गई हैं भाई, कैसे गंदे से ठुकी हैं। ओ भाई साहब, ये दोनों गैंगस्टर्स हैं यहाँ पर। ओ भाई साहब, डर गया भाई साहब थोड़ा टॉमी भी। अरे बैठो बैठो बैठो, आ जाओ जाओ बैठो तुम लोग। भैंस की टांग, उसकी पाँव में गोली लगी है क्या? कहाँ जाना है? ठीक है भाई, ऑल राइट, अभी जो है हमें भाई साहब भागना है क्योंकि पीछे गैंग्स की गाड़ी है और हम लोग अभी करते हैं गाड़ी को बड़े प्यार से चलाते हैं एकदम ठीक तरीके से जैसे भाई साहब मुझे आती है। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदी ड्राइविंग है मेरी, GTA 5 में बड़ी अच्छी है और ये गाड़ियाँ बड़ी हैवी हैं। ठीक है, पीछे हमारे वो गाड़ी है जो भाई साहब इनके दुश्मनों की है, यानी कि उन गैंग मेम्बर्स की। चलो भाई गाड़ी को भगाता हूँ मैं, इस साइड को जाना है थोड़ा सा ताकि भाई साहब यहाँ से हम लोग भाग सकें। ए रुको तुम लोगों के भैंस की टांग। ए ओ भाई भाई भाई, क्या मस्त ड्राइवर है टॉमी एंजेलो, एकदम बढ़िया यार। चलो ठीक है, स्लो डाउन, नीचे करने गए। देख सकते हो रात का समय है और ये कम से कम भी 3 बजे है क्योंकि भाई साहब हम लोग दिन भर में ना जो है ना फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं तो हमारा भाई टाइम नहीं लगता है और रात को ही हमें टैक्सी चलाना बहुत पसंद है। और बातों बातों में मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, यानी कि अपनी डेस्टिनी मार्क से और राइट फाइंड द रूट डेस्टिनेशन ऑन मिनी मैप। तो हमारे जो कॉर्नर में तुम लोग एक मैप देख रहे हो ना वो बताएगा। और राइट, हमने मैप ओपन किया है, ठीक है, हमें पता चल चुका है जगह का। ऑल राइट, मुझे पता चल गया है। सॉरी भाई, मुझे उनके समझ नहीं आई पहले हमें जाना कहाँ पे। ऑल राइट, तो ये आ गए हम लोग जुआवानी ब्रिज तक और ये सेंट्रल आइलैंड यानी कि द रियल में न्यूयॉर्क में हम लोग जा रहे हैं अभी क्योंकि वहाँ पर इनका बार है और वहाँ पर इन्हें रिसीव करना है। और ये मेरे कान में पॉली ने बोल दिया है, माफिया मेरा एकदम ड्रीम गेम रहा है जो मैंने अपने लो एंड पीसी में चलाने की कोशिश की थी लेकिन इसका डेमो ही मुझे मिला। और सामने से ये गैंग्स मेंबर हैं यानी कि मोरेलो के एफ टू रैम अदर मेहकल्स भाई साहब। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीके से। ठीक है, अभी हम चलते हैं यहाँ से। तो मैं बोल रहा था कि लो एंड पीसी में मैंने एक बार अप्लाई किया था लेकिन भाई चल ही नहीं है गेम, और अभी जो है एकदम बढ़िया तरीके से चल गई है अपनी गेम। अभी भैया बंदे मेरे पीछे हैं, हम लोग अभी करते ही हैं। एक रुको 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 रुको, इनको आने दो, इनको मेरे करीब पहुंचने दो। आ जाओ, तुम लोगों की भैंस की टांग, मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ चक्कर मैं कैसे लेते हैं। एक आ जा, तू आ जा, इस जगह पे हैं, मैं आता हूँ फिर। ठीक है, एक रुको, ऐसे बोलते हैं इनको चकमा देते हैं। ओ भाई भाई, गोलियाँ तो बड़ी गंदे वाली चला रहे हैं ये, और मेरी गाड़ी के वजह से बैक साइड से ना इनको गोलियाँ बड़ी गंदे वाली लग तो गई। आ जाओ, इनको भाई किस तरीके से मैं पीछे से हटा दूँ अपने, ये समझ नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, ऑलराइट, मैं लिटरली मैं इन्हें वापस लेके जा रहा हूँ जहाँ पर इनका भाई साहब बार है, आई मीन दस्सालेरी बार, और वहाँ पर ही भाई साहब ये लोगों को ड्रॉप करने हैं हमें इन मोरेलों के गुंडों से बचाकर। भाई गेम का भी स्टार्ट किया था हमने और देख सकते हो कितनी खतरनाक सी भाई साहब एंट्री हो गई है गेम के अंदर, एकदम गैंग वार स्टार्ट हो गई है और मोरेलो के बंदों की भैंस की टांग कर दी मैंने। ठीक है, सामने से ये कौन है? और तो ये तो मोरेलो के बंदे हैं। तो गाइस अभी जो है पॉली बोल रहा है कि उसे भाई साहब इनके बार यानी कि द सैलरी बार में भाई ड्रॉप करना है हमें, और वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। एक मिनट भाई साहब, आराम से प्यार से। ओके, तो भाई साहब हम लोग बहुत पास में हैं उस बार के, तो पहुँचते हैं अभी, देख सकते हो भाई साहब। ऑलराइट, तो ये है द सैलरी बार, द खतरनाक बार ऑफ दिस गेम, I mean dangerous, the khatarnak bol raha hu. All right. You want a little something from the Don or not? Isse zara ki chalo aaiye mere se. Take care. All right. Inko bhi bar mein jaane dete hum log. Goliyan kha kar aaye hain ye log. Aur main to ekdam sharif aadmi hu, maine koi bhai sab crime nahi karta hu. तुम लोगों को तो पता ही, देख सकते हो। ऑल राइट, ठीक है, एकदम भाई सुट्टा पी रहा है अपना भाई साहब टॉमी। तो टॉमी को भाई साहब इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है और अभी भाई साहब ये लोग जो है ना वो देखो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं और इनको लग रहा है कि मैं भी एक माफिया हूँ और ऐसा माफिया हूँ, मैं भी सादा सा माफिया हूँ। ऑल राइट, सैम बाहर आया दोबारा से और ये बंदे मोरेलो के तो नहीं है? अरे भाई साहब, वैसे जो है ना ये बंदा खुद भी डर गया तो भाई साहब, ये कहीं मेरे गोली तो नहीं मारने आ रहा? एक मिनट रुको, बेसबॉल बैट ऑन कर। ओ भाई साहब, नाम कंपनसेशन फॉर योर सर्विसेज, एनी डैमेज टू योर कार। ऑल राइट, दिस मेक्स अस स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू, गुड।
Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe a loan or some honest work, don't hesitate to ask. Take Don doesn't forget his friends. Take care, bhai. Yeah, okay, thanks. All right, thank you. और पैसे आप लोगों को मिल चुके हैं अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने के, तो चलो अभी चलते हैं हम लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर और इसे रिपेयर करवाते हैं भाई, सुबह ड्यूटी पर जाना है हमें। I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be इतने poor पैसे and alive. मैं भाई 10 महीने में जितने टॉमी कमाता था उसको एक ही बार में ये पैसे देके भाई सब एकदम हार्ट अटैक आने वाला हुआ बड़ा है, और ये बंदा ना थोड़ा सा घबरा गया है। तो सुबह जाके गाड़ी को मुझे रिपेयर करवाना है। टॉमी एंजेलो अपनी स्टार्टिंग से सारी की सारी बायोग्राफी बता रहा है, हम लोग भाई साहब उसको प्ले कर रहे हैं। राइट, तो ये है टैक्सी स्टैंड जहाँ पर लोग आके बैठते हैं अमीर अपनी गाड़ियों में और हमें कुछ पैसे मिलते हैं ताकि हम लोग कुछ खाना पीना कर सकें। ओके ड्राइवर, बुढ़िया आ रही है। यस मैम। यस मैम, आर यू ड्राइविंग और लॉयटरिंग? ठीक है भाई, ऑलवेज ड्राइविंग। अब बैठो, आप मैं करता हूँ ड्राइविंग। ठीक है, मैं कहता हूँ बढ़िया आप चलाओ, मैं भाई से पीछे बैठता हूँ, देखिए आपकी ड्राइविंग कैसी है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, चले भाई फिर सेफ माइकल्स चर्च भाई सब। ठीक है, हमें इन्हें चर्च छोड़ के आना है। ओके, तो हम लोग भाई साहब मीटर लगा लेते हैं, 40 से अबव की स्पीड हमारी नहीं जाएगी अगर इन्हें बहुत ज़्यादा भाई साहब केयरफुली जाना है। वैसे भी पेशेंट लग रही है मुझे, और भाई साहब सारे के सारे जाना हमें लॉ भी फॉलो करने हैं, यानी कि जितने भी सिग्नल्स आते हैं इस टाइप के सारे ठीक है यहाँ पे स्टॉप करने के। ऑलराइट ऑलराइट, अबे भाई वो कह रहे हैं रेडियो को बंद कर दो, आई मीन रेडियो को। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ सीधा ही यहाँ से इन्हें चर्च पे ड्रॉप करते हैं, जल्दी से भगाते हैं गाड़ी को। ऑलराइट, तो अभी हम लोग आए हैं द लॉस्ट हेवन के सबसे ब्यूटीफुल चर्च, इसका नाम है माइकल्स चर्च भाई साहब। स्टॉप देयर शायद से, और भाई साहब एक मिनट को मैं इन्हें साइड पर उतार देते हैं। इस साइड पर भाई साहब हमें जो है ना अपनी गाड़ी लगानी है एकदम प्यार से, एकदम क्यूट तरीके से। ऑलराइट, लगी गाड़ी। उतरो मैम जी, पैसे दे जाइए। The only tip I'll give you is to stop smoking in your vehicle. ठीक है। Felt like I was sitting in an ashtray. Sure, whatever you say. कैसी आंटी हैं ये? कितनी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है भाई। आज हमें ये है कि भाई साहब कुछ और भाई हमें ना बंदे लेकर आने हैं, टैक्सी में बिठाकर उन्हें ड्रॉप करना है, और इसी बहाने तुम लोग को ये ब्यूटीफुल सिटी देखने को मिल रही है। देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उस भाई साहब दौर में भी, यानी कि आज से कम अज़ कम भी भाई साहब अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो आज से मुझे अंदाज़ा लगाने तो पहले भाई साहब समझ नहीं आ रही मुझे, 90 साल पहले का है भाई साहब ये दौर, और 100 साल तो 10 साल रह गए 100 साल कंप्लीट होने में, और देख सकते हो कैसा भाई साहब काम हो रहा है। ऑलराइट, तो गाइस अभी जो है हमें इन्हें भाई आर्ट गैलरी में पहुँचाना है, और उन्होंने बोला है कि मुझे एक मिनट के अंदर अंदर वहाँ पर पहुँचाना है तुम्हें। यहाँ से मैं अगर लेफ्ट कर लूँ एक मिनट को, आई मीन राइट साइड को। ठीक है, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं आर्ट गैलरी में, एकदम भाई 10 मिनट आई मीन 10 सेकंड रह गए थे और हम लोग पहुँच चुके हैं, ये एक बात। ठीक है जी भाई साहब, वो तो टैक्सी को बुला रहा था ना। हाँ ठीक है, मैं तो थोड़ा कुछ और ही समझ गया, ये बंदा एकदम ड्रंक है और मुझे इसे पहुँचाना है लिटिल इटली में, और शायद से मैं पहुँच भी चुका हूँ लिटिल इटली। तो भाई साहब ये अपने जो है ना वो 3-4 आइलैंड्स हैं भाई साहब, उन जगहों के नाम है। ऑलराइट, तो अभी जो है हम लोग इनकी डेस्टिनी पर पहुँच चुके हैं द लिटिल इटली, और ये भाई साहब यहीं पे गाड़ी को करते हैं स्टॉप। माय कजिन हैज अ कॉफी स्टैंड अराउंड अ कॉर्नर। ठीक है, टेल हिम लूसी आउट सेंट यू, टेक अ ब्रेक। हां थैंक्स, माइट जस्ट डू दैट। ऑलराइट ठीक है, अभी ये शायद से हमारा आखिरी पैसेंजर था जिन्हें हमें यहाँ से भाई साहब आई मीन पहुँचाना था, और एक मैंने भाई साहब साइड में लगाई है, तो जिस कॉफ़ी सेंटर का से मुझे बोला था मैंने वहाँ से कॉफ़ी खरीदी है और एकदम बेहतरीन तरीके से। अबे भैन का टांग कौन है? ओए hey, how you doing, pal? You remember me? अबे ये तो वही मोरेलो का गुंडा है जिसका कल मुझे चेहरा याद रह गया था। अबे पैस की टांग, अबे मेरी टैक्सी तोड़ दी उन्होंने, एक मिनट रुको भाई। ना ओके भाई, कसम से गुस्सा आ रहा है मेरी टैक्सी का। अबे मुंह पे मत मार भाई साहब, दिमाग खराब कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल जो सैलियर्स की भाई साहब मदद की है ना, ये उसका बदला लेने आया मेरे से। ओ भाई भाई भाई, रुक तेरी बहन का टांग साले, रुक तू। ओ भाई साहब ये मुझे पकड़ लेंगे, ये मुझे बड़ा गंदे तरीके से पकड़ के भाई साहब मार डालेंगे। बैंड की टांग भाई साहब, ये तो मुझे छोड़ने नहीं वाले हैं। भागो 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 भागो, तेजी से भागो भाई एकदम। अबे भाई गोली लग गई एक तो,
अबे एक मिनट रुको, और आगे से एकदम बढ़िया तरीके से हमें सैलरी से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम हमारी वही हेल्प कर सकते हैं। एक मिनट रुको, इस साइड से भागता हूँ, यहाँ से एक प्यारा सा जंप, ठीक है, भागो, एकदम बढ़िया। पीछे हो जा मैडम, आप क्या मुझे मरवाओगी? ओ भाई साहब, पीछे गन्स, अबे बैंड की डांस, गन्स और भाई साहब बेसबॉल बैट लेके मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इनसे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और गोलियां भी बड़े गंदे तरीके से चला रहे हैं। अब आगे एक गोली और लग गई मेरे, रुको, यहाँ से स्पैंक पर और फिर भाई साहब स्मॉल रुक का मेरे भाई साहब टाप लिया, ठीक है, इसे कुछ चलता है, कुत्ते हैं भाई यहाँ पे, पड़ जाएंगे अभी। रुको, बड़ी मुश्किल से भाई साहब मैं बच रहा हूँ यहाँ से, पार कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है स्पाइडर मैन चला लिया मैंने, और सामने अपने सैलरीज बार है, ठीक है, कूदो, सामने भाई साहब दो बंदे भी खड़े हैं। ऑलराइट, द कसीन इज स्टार्टेड, भाई साहब सैम और पॉली यहीं पर है। ओ भाई, रुको, गिर गया, और मोरेलो के गुंडे भी मेरे पीछे आ गए हैं, ठीक है, इन्हें समझ आ गई होगी कि मोरेलो वाले मेरे पीछे लग गए हैं। किस मुसीबत में भाई साहब मुझे फंसा दे तुम दोनों ने। ऑलराइट, ठीक है, Nah, we're just trying to talk to that cabbie over there, that's all. All right. That right. Yeah. ठीक है, छोड़ोगे नहीं मतलब मुझे. Don's favorite driver. So anything you got to say to him, you can say to me. All right. Well, tell you something, pal, we ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Abbas, keep talking. Oye, gun nikal ke le aaya, bhai. Okay, then. ठीक है. कैसा भाई? See your boys around. ठीक है. Let's go, Lou. अब देख लियो मेरे को तू, अभी तो मैं गैंग ज्वाइन करने वाला हूँ इनकी. भाई सब डर के भाग गए अपने से. क्या भाई, बड़ा मजेदार हुआ है. Okay. Let's go say hi to the Don. Okay. Don Salieri. Don Salieri से मिलने जा रहे हैं अभी हम लोग. He's gonna want to hear about this. ठीक है. मुझे नहीं तो पता वो यहीं पर होंगे. चलो मिलते हैं उनसे. मुझे नहीं पता था कि भाई वो यहीं पर होंगे. चलो मिलते हैं इनसे. और ये तो भाई साहब इनका ना वो मैनेजर, इसका नाम फ्रैंक है, और भाई ये पूरे लॉस्ट सेवन में बहुत ज़्यादा मशहूर है. ऑलराइट, द चैप्टर इज कंप्लीटेड. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Frank told me you ran into some trouble? Yes, sir. My cab got smashed up pretty good. Morello's thugs went after him by the kind of Tommy helping us. This, taxi, that's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm going to set you up with a small loan, enough to get that cab of yours fixed up. I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing here? I just want a shot at the bastards who wrecked my cab. You hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the Morello's grills hang out at a bar he owns. Paul, you know the place. Sure do, boss. Good. You're gonna ride along with Tommy. There's a lot right next to the bar where they park their cars. Go smash up a few tin cans, send Morello a message. He can't rough up hardworking Joes in my neighborhood without getting a black eye. Thank you, Mr. Salieri. I won't let you down. And Tommy, when you get back, we'll talk about what's next for you. तो मेरी डॉन सैलरी से बात हो गई है, और उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर तुम्हें भाई साहब वहाँ से टैक्सी के लिए भाई नई टैक्सी खरीदनी है, रिपेयर करवानी है या क्या करना है, तो हमने बोला है कि हमें बदला चाहिए भाई उनसे. उन्होंने मेरी टैक्सी मेरे सामने तोड़ी और मुझे बहुत गुस्सा है उनके ऊपर, ठीक है. ये कोई भाई साहब डॉन सैलरी ने भाई किसी को लेटर लिखा है, ठीक है. ऑलराइट, आई मीन डॉन सैलरी को किसी ने लिखा है. सर चलते हैं, और हमारी गैंग बड़ी है, और भाई साहब टॉप पर इस टाइम जो गैंग चल रही है वो गैंग हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है भाई. वैसे तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है ये कि मैंने भाई गैंग ज्वाइन कर लिया और बड़े प्यारे तरीके से कर लिया, ठीक है. अभी हम लोग करते हैं कि भाई ऊपर जाना हमें और मिलना है हमारे नए दोस्त विंसेंजो से, ठीक है. तो ये अपना जो गनमैन है शायद से
चलो चलते हैं भाई, देखते हैं कौन है विंसेंजो। ओके ओ भैंस की टांग, शॉटगन पकड़ी हुई है इसने तो। ठीक है भाई, ओ भाई चेक कर रहा है कि गन लेकर है क्या। ठीक है भाई, who's this then? Vinny, it's yours, Tommy Angelo. Oh, why? We're doing a little job together. Right. ठीक है, मेरा नाम है थॉमस एंजेलो, टॉमी एंजेलो बोला मुझे। ठीक है, need something to write off a few cars. All right. Oh, I got just the thing. Molotov. This classic should do the trick. Yes. भाई साहब, हमने गाड़ी तोड़नी है, उसके लिए हमें बेसबॉल बैट मिल गया। ठीक है, एकदम ठीक है, एकदम मिल गया प्यार से अपने को। मोलोटोव मिल चुके हैं अपने को। चलो भाई साहब, अभी जाते हैं हम लोग बदला लेने के लिए इनकी भैंस की टांग। निकलो बाहर पहले तो हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं मोरेलो की भाई साहब गैराज में। मुझे भाई साहब पॉली ने सब कुछ बता दिया कि हम लोग अभी जा रहे हैं मोरेलो के गैराज में उनकी गाड़ियों की भैंड की टांग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरी गाड़ी भाई साहब एकदम तोड़ के रख दी है, तो हम लोग उनकी गाड़ी लेंगे भाई। ऑलराइट, ठीक है, क्या हो गया पॉली? थोड़ा सा पॉली ना बॉबी देओल टाइप का है। Two cripples working here. सब क्या कर रहा है ये? Nothing alike. You got that, Ralph? ठीक है, sure, Papa, yeah. इसका नाम राल्फ है। ठीक है, Tommy Angelo. ठीक है, good to meet you. Thank you भाई, हकलाता बहुत है ये बंदा, और ये शायद से हमारा मैकेनिक है, यानी कि द गैराज लीडर ऑफ द सैलरीज। मैं तो सैलरी नहीं हूँ अभी तो, अभी हम लोगों ने पहला ही काम में भाई साहब बॉस की तरफ से मिला। बॉस ने हमें भाई साहब गैराज का बताया, मैं बोला जहाँ वहाँ पर जाकर ना तुम दोनों उनकी गाड़ियाँ तोड़ दो और गाड़ियाँ तबाह करके आना। ठीक है, चलो ये गाड़ी मुझे अभी जो है ना अपने ये राल्फ बनामी इस बंदे ने दी है, इसने बोला कि इस गाड़ी में चले जाओ। ठीक है, ऑलराइट। पॉली का पता नहीं चलता है, कभी मजाक में मूड में आता है और कभी गुस्से में आ जाता है। One day I'm gonna cut your brake line, asshole. ठीक है, ऑलराइट। I was trying to pull giving us this motor. ऑलराइट, तो अभी जो हम लोग चलते हैं गैराज में, यानी कि द मोरेलोस गैराज में, जहाँ पर इनकी भाई साहब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो उनको आज मैं तबाह कर देने वाला हूँ। और भाई साहब मोरेलो के ऐसी की तैसी, इसके बंदों ने आके मेरी भाई गाड़ी टैक्सी, मेरी प्यारी सी टैक्सी जो पहले भाई साहब एक दिन ही नहीं हुआ उसे मुझे पूरा हुआ भाई साहब चलाते हुए, वो भाई उन्होंने आके तोड़ दी, बेसबॉल बैट से उसकी हेडलाइट छोड़ दी है और पता नहीं गाड़ी क्या हाल कर दिया है। लाइफ का सबसे पहला क्राइम करने जा रहे हैं हम लोग, देख सकते हो कि थोड़ा सा नर्वस तो हूँ मैं भाई, देख सकते हो कि एकदम पिंक पिंक और रेडिश सा माहौल हुआ है, एकदम गोली टाइप का, और देख सकते हो नीचे कितना गहरा समंदर है। ओके भाई, और ये अपना सैन फ्रांसिस्को वाला ब्रिज ये न्यूयॉर्क के साथ कैसे कनेक्टेड है? ठीक है, और यहाँ पर भी एक ब्रिज है भाई, तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ से वैसे भी तीन टाइप के आइलैंड हैं जो भाई एक दूसरे के साथ एकदम फिक्स जुड़े हुए हैं एकदम ब्रिज के साथ में। ठीक है, तो एक यहाँ पे कॉप है, हमें भाई बड़े प्यार से जाना है कि हम लोग एक मोस्ट वांटेड पर्सन ऑफ द एरिया पॉली के साथ बैठे हुए हैं, तो अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया ना तो ये मुझे कम अज़ कम भी भाई साहब जेल में तो डंडे तो भाई साहब तेल से लगा के मारेंगे, तो भाई प्यार से चलाते हैं गाड़ी। भाई साहब हमारे जितने बंदे हैं ना द सैलरीज के, तो भाई साहब हम लोग जो है ना वो हमारी एकदम समझ लो, इन्होंने मुझे बता दिया है कि हमारी अनबन है इन लोगों के साथ में, यानी कि मोरेलोस के साथ में, तो हम लोग उनके गैराज पे पहुंच चुके हैं, तो हमारा एरिया सिर्फ लिटिल इटली है और उनका नॉर्थ पार्क है, तो हम लोग को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमारी वैसे कोई गैंग वॉर ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे लगा के पार्क कर दी मैंने एकदम बढ़िया तरीके से, मोरेलोस लाउंज बार, ठीक है हमारे सामने है वो। ठीक है चलें भाई फिर। ओके, हमारे सामने से बंदे जा रहे हैं, और टॉमी की लाइफ का सबसे पहला क्राइम, यानी कि एकदम इतनी खुशी है, हम लोग पहली बार गन उठाने वाले हैं। ठीक है, ओके, झुक के नहीं चलना क्या भाई, हमें ऐसे चलते हैं ना ताकि इसको दिखना जाए हम लोग। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, उनको पता ना चले कि हम लोग आ गए हैं, एकदम रुको। ठीक है, वो सामने वहाँ पे बंदे हैं। ठीक है, हम लोग करते ही हैं कि भाई यहाँ से निकलते हैं पहले तो, ए यहाँ से मैं कूदता हूँ, क्या करो भाई बंदो बोलो मुझे ज़रा। ठीक है, उसने बोला कि इस रूफ़ पे पहुँचो तुम जल्दी से, और इस रूफ़ पे पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, सामने भाई साहब मोरेलो के बंदे हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समझ आया, मुझे थोड़ा सा पता चल चुका है। ओके ओके ओके, इनको पता भी नहीं चला और मैं इनके बिल्कुल पास में से होकर गुजर गया भाई। ठीक है, ओके, कवर मिल गया अपने को।
ठीक है भाई साहब, यहाँ से हम लोग करते हैं कि नीचे उतरते हैं, एक मिनट रुको पहले प्यार से, मैं ना नीचे उतरता। ओके भाई साहब, ओके भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको मैंने पीछे से आके मुक्का देके भाई साहब बेहोश करके मार डाला है। अब बेहोश करके मार डाला है क्या मतलब भाई साहब, बेहोशी किया अभी तक अपने से। डोर कैसे खुलेगा ये? अबे अच्छा, उस रोज से अंदर आना था। यस ऑफ कोर्स, ओके पुट डाउन द बैट भाई साहब, ये अपने पास बैट है। ओके ऐसे ऐसे तोड़नी है गाड़ी, ठीक है। ओके भाई पीछे से मार दिया बंदे को मैंने एकदम प्यार तरीके से, अभी तो आया था ये। ओके पीछे हो गया उसकी नांग तेरी, चल पीछे हो बेटा, मुझे गाड़ियाँ तोड़ने दो, मेरे पास टाइम थोड़ा है। मेरी टैक्सी तोड़ने को जब तुम लोग आए थे तब तुम लोग कहाँ थे भाई साहब? एक मिनट को मैंने ये गाड़ी नहीं तोड़ी अभी तक, इसकी तो भैंस की नांग करो मैं। और एक मिनट रुको, ए सही त्रुटी अभी तक भी, रुको रुको रुको, इसको तो अभी इतना डैमेज ही नहीं आया जितना मैंने उस गाड़ी को दिया। रुको इनकी टांगें तोड़ने दो मुझे इस गाड़ी की बेस्ट तरीके से, ठीक है। जी टू यूज़ मोलोटोव, ठीक है मोलोटोव, हम लोग मोलोटोव है भाई साहब, क्या है मोलोटोव्स हैं, ठीक है। ये है सब इस जगह फेंका मैंने, और ये भाई साहब इनके दरमियान में, यो भाई साहब वो एक गलत हो गया, ठीक है भाई। तीनों गाड़ियाँ ब्लास्ट हो गई इनकी, और हम लोगों के पास अभी इस टाइम ना वो डिनोस कार कहाँ पे है भाई? अब भैंस की टांग, ये है डिनो की कार, बैठो गाड़ी के अंदर। मोरेनोस को पता चल चुका है कि हम लोगों ने उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी हैं, इनके धुएँ से बंदे बाहर आ गए हैं। ओ भाई भाई भाई, ओके ओके ओके, गेट तोड़ो भैंस की टांग, भागते हैं यहाँ से हम लोग, उसकी गाड़ी ले आए हैं मोरेनो की, ठीक है। अब रुको तुम लोग तो, अब पुलिस वाले पता नहीं क्या आए, बौखल आ गए हैं, पागल में पड़े हैं। चलो कॉप्स को पहले तो लूज़ करते हैं। एक रुको, मुझे पता है मुझे कैसे करने हैं, पिछले वाली मेरी जगह पर तो मैंने किया था। रुको इस साइड से पहले, तो ऐसे मेरी ड्राइविंग तो पूरी जगह में मशहूर है भाई साहब, मेरे जैसा कोई ड्राइवर ही नहीं है। ओके ऑल राइट गाइस, तो भी जो है मैं बड़े प्यार से गाड़ी को इस जगह पर ले आया हूँ, जाने के पीछे हैं पुलिस अपने, और बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं, ठीक है, अभी जो है पुलिस अभी भी मेरे पीछे है, लेकिन यह कि इतनी खतरे में नहीं है। तो मुझे पॉली की बातों से कुछ पता चला है कि हमारे भाई साहब यानी कि सैलरीज और मोरेलोस टैंक के बीच में भाई साहब एक वायदा टाइप का हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हमें भाई साहब कुछ जगहें मिली हैं जिनमें भाई साहब हम लोग अपना राज कर रहे हैं, जैसे हम लोग लिटिल इटली में, और भाई साहब वो लोग जो है ना वो नॉर्थ पार्क और दूसरे एरियाज में, तो उनका वहाँ पर राज चलता है। और हमें भाई इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हमारी वजह से कोई गैंग वॉर ना स्टार्ट हो जाए, नहीं तो भाई साहब सैलरीज खुद ही मुझे मार डालेंगे, ठीक है। तो जान की परवाह करनी है, और हम लोग करते हैं गाड़ी को एकदम भगा कर पहुँचते हैं अपने बार पर, यानी कि द सैलरीज बार में, ठीक है। वैसे तुम लोग को पता भी नहीं होगा कि कल की रात ने भाई साहब मेरा आज का दिन खराब कर दिया, और दोनों गाड़ियों की भाई साहब क्या कर दिया मैंने, सॉरी साहब गलती से हो गया भाई, गाड़ी की तो भाई साहब भैंस की टांग हो गई। रुको 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 रुको, वो इस साइड को आ रहे हैं, हम लोग इस साइड को चले जाते हैं एकदम प्यार से क्यूट तरीके से। अबे भाई वो भी मेरे पीछे ही हैं, ठीक है। रुको 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 रुको, आई हैव अनदर आइडिया, हम लोग इस साइड को ले चलते हैं गाड़ी को एकदम प्यार से सुकून से आराम से, ठीक है। इस साइड को तो गाड़ी नहीं वो लेके आ सकते हैं ना, ऑफिसर्स अभी मेरे पीछे हैं, लेकिन भाई साहब उनको पता नहीं चलेगा कि मैं गया कहाँ पे हूँ। अबे थोड़ा सा पता चल रहा है, मैम पीछे हो जाओ आप, वो पीछे से पुलिस भी आ गई है, अबे इसको मरना ही है क्या। अभी हम लोग पहुंच गए बड़े आराम के तरीके से भाई अपने सैलरी बार के अंदर और अपने गैराज के अंदर, ठीक है। गाड़ी को मैं गैराज के अंदर लगा आता हूँ ताकि भाई एकदम प्यार से बॉस बहुत ज़्यादा खुश होंगे आज तो, क्योंकि हम लोगों का पहला ही काम है, और गाड़ी भी भाई साहब मैं बढ़िया ले आया हूँ। चलो गाड़ी से निकलते हैं अभी और जाकर मिलते हैं बॉस को, देखते हैं भाई बॉस हमें क्या बोलते हैं। चलो पहले तो बाहर निकलते हैं एकदम माफिया वाली लुक का, हमें पता कैसे दिखानी है भाई सब चलना बढ़िया ऐसे ऐसे तरीके से, देख सकते हो। वैसे तो टॉम वैसे चलता बड़ा अजीब तरीके से, भाई बॉस जो है ना आज बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। ओके आगे वाला डोर भी है ना वो लॉक्ड है, जहाँ पर हमारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, देख सकते हो क्या लाइटिंग आ रही है भाई अपनी। But he'll be plenty pissed when his boys tell him what happened. He's not going to be able to think straight for weeks. All right. See, that's the difference between me and Marella. TK. I'm a businessman. Yes. I do everything with this. Every decision I make, it's what's good for the business and my boys. Yes. But Marella is a hothead. And all that anger TK. burns out the brain. Baatein samajh aa rahi hain. He gets stupid.
You got nothing like that to worry about with Tommy here. He was aces the whole way, boss. Take it. I'm glad to hear it. I got a growing business here. We could use a guy like you to help out around the bar. Maybe run some errands, make sure the bills get paid on time. Take it. You up for that? Oh, it'd be an honor, sir. Good. Good. Now, Polly and Sam have already vouched for you. But you need to understand we have a few rules around here, so you listen and listen good. All right. First, no cursing on the premises. There's a million words out there. All right. The man who needs to resort to fuck this and fuck that is just ignorant or lazy. Second, we don't deal in the hard stuff. I don't want any dope fiends in this neighborhood. We'll let Morella poison his own people if that's what he wants. Take it. Finally, stay out of trouble with the cops. Take it. We only have a few on the payroll. And if you cross the line, the rest will come after you. You understand? Take it. Yes, Mr. Salieri. Then I'm going to only ask you for one more thing, Tommy. Take it. I don't keep Paulie and Sam around just because they're strong. A lot of guys out there bigger and tougher than these two. And I don't keep Frank on the payroll because he's smart. Though he is an artist with the numbers. All these guys. Sin? In this room. They're here because they have the only thing that matters to me. The only thing that should matter to any of us. You know what that is, Tommy? They're loyal. All right. That's right. ठीक है, मुझे समझ आ गई है. You stay straight with me, you're going to be living the high life, Tom. But you abuse my trust. Don Celier. So I'll be dead. You won't ever need to worry about me. Take it. Okay, then. Welcome to the family. Oh. Bhai Sam. Excellent. Now I'm starving. Take it, Bhai Sam. Luigi, let's eat. Welcome. Oh, I'm about to die. भाई साहब हम लोग दन आई फेस कसम से मेरी जुबान लगन आ रही है समझ नहीं आ रही है बात को हम लोगों ने सैलरी फैमिली ज्वाइन कर ली है अपनी खुद की गैंग भाई और शहर की सबसे पावरफुल गैंग हम उसमें शामिल हो गए हैं भाई और डॉन सैलरी ने भाई हाथ में लाया अपने साथ अपनी चुम्मियाँ ली है क्या बात है भाई अपनी तो मतलब इतना प्यारा काम किया मैंने कि डॉन सैलरी ने चुम्मी ली है मेरी Okay. I moved crates and delivered messages. The guys busted balls and told stories from the old country. All right. Mostly, we just waited. I got to thinking, maybe life in Celieri's crew wasn't gonna get me clipped. Take it. But what did I know? You, Tommy? Come on, there's still gas in your tank. Get boss is waiting for you. All right. Thanks. तो बॉस अपना इंतज़ार कर रहे हैं भाई साहब अभी एक बंदा है उसने मुझे बताया है तो भाई हम लोग अभी जो है ना जितने भी हम लोगों ने काम किए हैं वो भाई सिर्फ ये है कि मैसेजेस पहुँचाएँ लोगों तक भी हमने और भाई साहब कुछ बंदों के साथ बातें की हैं हमने यानी कि अपने बॉस के लिए तो ठीक है पहले ये कपड़े वगैरह कुछ हो सकते हैं क्या हमने एकदम ओवर ओवर अबे भाई ये तो सिर्फ इसके ठीक है बॉस अपने सामने ठीक है जाकर बॉस से बात करते हैं क्यों बुलाया बॉस ने हमें अभी Take care. That's collection day, boys. All right. So Tommy, you'll drive. Okay. Paul and Sam can handle the rest. It'll be routine. Take care. Just a handful of stops today. Yes. Bill at the motel was a little short last night. So make sure he pays us the interest he owes. No problem, boss. Okay, Don't boss. Lay hands on anyone unless there's no other choice. Our clients need to understand that we provide a valuable service. They need to look at you. All right. And see Santa Michael. Take care. They need to believe you'll protect them. So let Morella stoop to breaking legs. We're better than that. But the bills still do, and everyone pays up. We can handle it. Go see Ralphie about a car. Okay, boss. तो बॉस ने बोला कि आज का डे है कलेक्शन का यानी कि आज हमें हफ्ते भाई साहब दुकानों से इकट्ठे करके लेके आने हैं ठीक है तो अभी हम लोग चलते हैं विंसेंजो के पास में गन्स वगैरह कुछ देख लें और देख सकते हो ग्राफिक्स कैप करो भाई कैसे आ रहे हैं Yes, of course. I am the new guy. All right, तो ये गन है जो हमें मिलने वाली है ठीक है हम इसे ले लेते हैं इस गन को ओके तो भाई साहब अभी अभी है ना रिवॉल्वर मिल चुकी है एकदम बढ़िया तरीके की ठीक है अभी ये देखो निशाने लगा के चेक कर रहा है अपना ब्रो ठीक है ब्रो चले फिर अब
है भाई, मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं अभी। ओके, ये भाई सब एम करने का जीगा, और ये शूट कहाँ पे करना है? शूट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एड, अबे भाई इसमें तो एमओ ही नहीं है। एमओ कहाँ पे? एक मिनट को रीलोड करते हैं, ठीक है, रीलोड मैं करता हूँ एक मिनट को। ओके, रीलोड हो गया, ठीक है। होल्स्टर वेपन, ठीक है। विंचेंजो, भाई साहब विंचेंजो बोल रहा हूँ मैं, विंचेंजो इसका नाम है। तो रॉल्फ, रॉल्फ से बात करनी है अभी। ये विंचेंजो अपने पास में, और ये भाई साहब रॉल्फ, ठीक है। रॉल्फ से बात, रॉल्फ से बात करते हैं कि अभी हमें ये कौन सी गाड़ी देने वाला है, ताकि उसमें भाई साहब हम लोग जा रहे हैं हफ्ता मांगने के लिए, और ये वही गाड़ी है जो मैं कल लेके आया था। Yes, of course. Elbow goes through, reach inside. All right. Easy. And in the afternoon to fix the window back up. Okay. Watch. And learn. ठीक है, तो हमें गाड़ी खोलने बता रहे हैं कि हमें अगर गाड़ी भाई साहब कहीं लड़ाई हो जाए तो गाड़ी हम लोग किसी के भी खोल के भाई साहब लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू भाई। ओके, तो हम लोग अभी जाना होल्ड टू व्हील पिक। ओके भाई साहब, हम लोगों ने लॉक पिक से भाई डोर खोल लिया है। थैंक यू यार, तुमने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी। चलो सैम आ जाओ यार, भाई हम लोग जा रहे हैं हफ्ता मांगने के लिए और कई शॉप से। और भाई अभी देख सकते हो शहर का मौसम वैसा ही है, द लास्ट हेवन वोटेड ड्राई। भाई क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में, यानी कि लोग भाई इतने नहीं हैं, लोग कामों पर गए हुए हैं इस टाइम तो अपने भाई साहब वर्क में, फैक्ट्रीज वगैरह में। जैसे मैं भाई साहब टैक्सी ड्राइवर था, एक बंदे को आर्ट गैलरी में छोड़ के आया, एक वुमेन को भाई साहब चर्च में छोड़ कर आया, और ये बंदे पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं। ओके, एक मिनट, यहाँ पर भाई पता नहीं क्यों इतना रश लगा हुआ है, क्या हो गया भाई साहब? गुजरा जैसे मैं गुजरा हूँ। चलो कोई बात नहीं है, अभी हमारी सबसे पहली जो कलेक्शन है वो देखते हैं कहाँ पर है। मुझे तो बस मैप दिया अभी, और भाई अभी जो है ना मैनेज कर रहे हैं पॉली और सैम, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, अभी उतरते हैं हम लोग। चलो भाई साहब उतरू, हाँ बोलो कहाँ पे जाने का है। ओके, एक मिनट, वेपन तो अंदर रखो, कोई देख लेगा भाई साहब, बोलेगा फिर हमने को, ठीक है। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, एक मिनट को। ओके, ये तो खोलो भाई से। हेलो, आई एम गुड। अबे भाई समझेगा, यू आर डिफॉल्ट ऑफ योर एप्लीकेशन टू मेक योर पेमेंट्स ऑन योर एग्रीड लोन। भाई साहब लोन लियो है इस बंदे ने तो, हमें पैसे भाई साहब हमारा उधार वापस करने के लिए बंदे बैंक से लोन उठा रहे हैं, और अगर इसने ना दिया तो भाई साहब इसे मैं ठोक दूंगा आज, ठीक है। पहली बार मैं काम तो डाउन सैलरी का मैं सब नहीं कर सकता कोई भी। ओके, तो अभी जो है उन्होंने बोला है कि पैसे भाई साहब अंदर हैं तो एम्प्लॉयज़ के पास में, तो अभी हम लोग चलते हैं और पैसे देखते हैं कहाँ पर है। वैसे इस आंटी के पास में जो हमें भाई साहब पैसे देने वाली हैं, पैसे दे दो। अब ये तो बदवाइयाँ देने लग गई है मेरे को, पैसे भाई साहब ये पड़े हैं भाई, एवं मैंने इससे बात करने लग गया, बदवाइयाँ दे रही थी। अब भैंस की टांग गाली दी है इसने मुझे। माँ जी आप मेरे से बड़ी उम्र की नाना होती तो यहाँ पे ठोक देता मैं आपको। ओके, पैसे मिल गया भाई, बेइज्जती करवा के पैसे मिले भाई। चलो भाई चले। ओके भाई साहब, अब हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। चलो भाई साहब बैठो सबके सब, दोनों आई मीन दोनों के दो ही तो बंदे मेरे पास, और कौन है जिसे बैठना है आज? जल्दी सैम आ, जल्दी बैठे, फिर जाने का टाइम अपना। और अभी हम लोग जा रहे हैं द चाइना टाउन में, क्योंकि वहाँ पर भी एक एंटीक शॉप है, और वहाँ से भी हफ्ता वसूल करना है अपने को। तो एक मिनट को, पहले तो पुलिस का पंगा ना हो जाए, क्योंकि हमें भाई साहब डॉन की बातों के ऊपर पूरा गौर करना है, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। और ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 भाई, इस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमें पहुंचना था, यानी कि द भाई साहब उस जगह पर, आई मीन उस शॉप पर जो भाई साहब यहां के एंटीक शॉप है, ठीक है। हम लोग बड़े प्यार से उस जगह पर पहुंच चुके हैं, और देख सकते हो यहां पर भाई कितनी एंटीक है। यहां पर भाई साहब बर्तन मिल रहे हैं चाइनीज़ की, ठीक है। ओके, तो हम लोग दोनों यहां पर भाई साहब गाड़ी में रहते हैं, सैम और मैं, और पॉली जाकर भाई साहब ले आएगा हफ्ता जो है। देख सकते हैं भाई साहब ये बंदा पीछे स्टोर खोल रहा है, और हॉट डॉग्स की भाई साहब रेडी लगी हुई है, और ये बंदा ना शायद से स्टोर खोलने वाला है, इस वजह से स्टोर क्या गया, मैं झाड़ू लगा रहा है। और इस सामने बंदा अपनी जो है वो अखबार पढ़ रहा है, भाई साहब एनपीसीज पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस वर्ल्ड में। और ये चाइना टाउन है जहाँ पे भाई साहब सारे के सारे चाइनीज रहते हैं, इस वजह से तुम लोग देख सकते हो घरों के स्ट्रक्चर सारे भाई साहब चाइनीज टाइप के हैं, ठीक है। और ये भी देखो भाई साहब, ये एक चाइनीज स्टोर है, और पॉली भी आ चुका है। चलो भाई बैठो जल्दी से पॉली, हम लोग चलते हैं अभी अभी भाई दूसरी जगह पर, यानी कि जहाँ से भाई हमें हफ्ता वसूल करना है, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं द मॉडल, जो शहर से बाहर है, और अभी हमें वहाँ पर जाना है, तो ड्राइव थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो हम लोग इसको भी स्किप करते हैं भाई।
भाई साहब तुम लोग देख सकते हो ये भाई पता नहीं कौन सा एरिया है, लेकिन बड़ा प्यारा सा किसने भी अपना घर बनाया और एकदम विला टाइप बनाया पूरे का पूरा। ठीक है भाई, एकदम लगता है ये अमीरों का एरिया है और मैं थोड़ा सा शहर से बाहर आ गया हूँ, यानी कि द लॉस्ट सेवन से। भाई सब उस जगह पर, इस जगह से जो है ना हम लोग भाई एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो मोटल हमसे ज़्यादा दूर नहीं रह गया, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ भाई बहुत ज़्यादा पास में अपने मोटल। और भाई देख सकते हो कि ये कैसा ब्रिज है, और भाई साहब एकदम RDR के भाई साहब याद दिला रहा है। यहाँ पर भी तुम लोग को दिखाता हूँ, इस साइड पर देख सकते हो वहाँ पर भाई साहब इंडस्ट्री एरिया है जहाँ पर हम लोग भाई लिटिल इटली और उस साइड पर रहते हैं। और जितने अमीर अमीर लोग हैं जिनके भाई साहब एकदम घर हैं, वैसे तो वहाँ पर लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके भाई साहब पूरे घर हैं, विलाज हैं। और भाई हम लोग जो है ना वो बहुत पास ही में हैं उस भाई साहब मोटर के, यानी क्लैंक्स के, क्लैंक के भाई साहब मोटर पर। गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं उस मोटर पर जहाँ पर हमें पहुँचना था हफ्ता वसूली के लिए। ठीक है, अब भाई साहब तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर वेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये दोनों जा रहे हैं अभी अंदर, हम लोग यहाँ भाई साहब बैठ के ना भाई सिगरेट पीते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। और यहाँ पे तो नो स्मोकिंग लिखा है, हाँ इसकी टांग इनकी, इनके रूल थोड़ी फॉलो करने हमने। चलो ओ भाई भाई भाई, किसने गोली चलाई है? ओके ओके, टॉम टॉम ओके ओके, ठीक है, एंड डोंट कम बैक। Okay. You'll end up in worse shape than your friends. ठीक है, मोरे लोग के पंदे हैं ये। और इन्होंने भाई पॉली के तो गोली लगा दिया, पॉली गोली मरवा के आया था हर बार अपने, इसी बार भी यही था। सैम अंदर ही है। ओके ओके, जस्ट हैंग ऑन। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे समझ आ गई है। तो ये बोल रहा है कि जो है ना वो सैम अंदर ही है, तो हमें जो है ना भाई सैम को ही रखवाली करनी होगी, सैम को बचाना होगा एकदम प्यार निकल से। तो हमें जो है ना रास्ता ढूंढना है यहाँ से अंदर जाने का। तो मैं देखता हूँ भाई कोई रास्ता हो यहाँ से अंदर जाने का, कि मैं स्नीकिंग में हूँ इस टाइम, उन कोई बंदा तो नहीं। ऑलराइट, एक बंदा आ रहा है यहाँ पर। हेलो बॉस, कैसे हो आप? ठीक हो? एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऑलराइट, मैंने अपनी खोलियाँ ज़रा अभी भाई, मेरी जो है ना हेल्थ थोड़ी सी कम है, तो अपनी हेल्थ भी पूरी कर लूँ। और ओके ऊपर से ना कौन पे एक बंदा है, तो मुझे थोड़ा सा रास्ता मिल गया। सो गाइस, मुझे एक रास्ता मिल गया है, लेकिन यहाँ पर ना एक सिगरेट बुक पड़ी है, हम लोग को ये उठा लेनी है। ठीक है ठीक है, एकदम प्यारे तरीके से भाई साहब आ गया उस जगह पर। और गन रेडी रखो भाई, नहीं तो लड़ाई हो जानी अभी। बॉस को यहाँ तो नहीं ना, यहाँ पे आप हो। बॉस आप ही पीछे हो। अब ऐसे डांग। ओके रुको रुको रुको, ये बंदा है जो को भैंस की टांग तेरी की, तो तुझे मैंने बड़े कंप्लीट तरीके से मारा है। ठीक है, ये क्रोकोडाइल पड़ा एक, और मुझे इससे गोलियां ले लें दो शायद से। अबे यहाँ पर कहीं पे फर्स्ट एड का ऑप्शन नहीं है, देखा भाई साहब यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट एड नहीं पड़ी है, यानी कि हमें जो हाई हेल्प कर सके हमारी हेल्थ कम्प्लीट करने में। और ये गैंग भाई साहब एक मॉडल है, और मॉडल में भाई साहब एक मिनट, यहाँ से मैंने बंदा गिराया ना, वो नीचे गिरा हुआ है वो। ठीक है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके ओके ओके, हम लोग को करना भी है, नीचे को चलते हैं हम लोग। और इसी स्टेयर से ये भाई साहब बाथरूम है, बाथरूम से निकला था क्या? तो भैंस के नाक तो लेता पूरी अपनी गल लेके गया पीछे। ओके 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 गाइस, अभी जो हम लोग नीचे आ गए हैं, और यहाँ पर भाई साहब एकदम रिको 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 कवर में लूँगा, पहले मुझे देख ले तो दो कि तुम लोग हो कहाँ पर। ओके ओके ओके, यहाँ पर हैं बंदे ये। ओ भाई भाई भाई, बॉस आपको तो ख़त्म, भाई तुझे को तो ख़त्म करना बड़ी मुश्किल था, कर दिया लेकिन हमने। ओके, इसको तो यूज़ करो, पहले तो इसको यूज़ कर, इसको यूज़ कर टॉमी, इसे खोल। हेल्थ पूरी हो गई, कंप्लीटेड है हेल्थ अपनी। ओके, रोबोटिक गिलिटो भाई साहब एट सिटी काउंसिल, तो ये शायद से हमारा भाई साहब कोई बन रहा है, आई मीन मिनिस्टर टाइप का कोई बन रहा है बंदा। और बंदे हैं ये कुछ, चुन रुको एक मिनट रुको, बंदे आ रहे हैं। अबे भाई
रुको तुम लोग भैंस की टांग करूँ अब भैंस की टांग चुप done. रुको वहां पर है बंदा इसको खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है रुको 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 इसको मैं खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ओके एक शॉट में गया भाई चलो ठीक है अभी हम लोग यहाँ से कूदते हैं अब कूद नहीं सकता मैं यहाँ से अब बाहर ही है ये रुको ये रहा वो बंदा और एक रुको मुझे यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है यहाँ पर भी डोर है आउटसाइड का ठीक है सैम ये रहा सैम बिल्कुल बंद किया मुझे अरे भाई इसके भी गोली लग गई है ठीक है चलो 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 शायद से इससे कोई नॉलेज निकलवाने वाले थे भाई साहब अपने गैंग के बारे में सैलरीज के बारे में अबे ओ भाई बंदे वाले लग गई अभी तो और ये भाई साहब पैसे लेकर भाग रहा है एक मिनट को इससे पैसे निकलवाने होंगे हमें अगर ये भाग गया ना पैसे लेके तो काम खराब हो जाएगा और सैलरीज मुझे निकाल देंगे भाई रुको गाड़ी में बैठते हैं तुम लोगों के भैंस की टांग में तुम लोगों को अभी पकड़ लूंगा रुको लगता है कि तुम लोगों को मैं नहीं पकड़ पाऊंगा रुको इनकी भैंस की टांग मैं अभी आता हूँ तू यहाँ पर है पॉली क्या एकदम अपना ख्याल रखियो फिर रुको गन ऑन करो तुम लोगों की ऐसी की तैसी नहीं है अब रुको 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 एक मिनट इनका मुझे ड्राइवर मारने का है इनकी भैंस की टांग चलो ख़त्म हो ओए मुझे तुझे ख़त्म करने का है तू बहुत ज़्यादा शाने बन रहे हो तुम लोग मरेलो के बंदे हैं ये अबे रुक जा यार टॉमी की भैंस की टांग हो गई ये घटिया सी गाड़ी है मैं भी शूट करूंगा कि भाई सब ड्राइविंग करूंगा इतनी चीज़ें कैसे होती हैं तुम लोगों से लड़ने का वक्त ही नहीं है मेरे पास में एकदम वो बंदा निकल जाएगा यार हाथ से रुको यार कसम से एकदम घटिया तरीके से भाई सब मैं यहाँ पे लेकर आया गाड़ी मेरी किस्मत ही ख़राब है मैं उस बंदे को क्यों नहीं पकड़ पा रहा और अगर पैसे ना मिले आज तो भाई साहब मुझे सैलरीज बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से पीटेंगे क्योंकि उन दोनों के तो गोली लग गई है और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है भाई साहब ड्राइविंग पे थू होगी मेरी भाई अगर मैं टैक्सी ड्राइवर होकर भी ड्राइविंग सही नहीं है मेरी तो ओके 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 मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा बहुत प्यारे तरीके से ड्राइविंग करूँगा रुको वो बंदे यहीं पर हैं और इसकी लगता है खुद की सिटी बिटी गुल हो रही है रुको 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 वो बंदा शायद से मैंने मार डाला है रुको रुको एक मिनट रुको ये नीचे को ड्राइविंग कर रहा है मुझे ऊपर को ड्राइविंग करनी है रुको 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 बेटा तुम्हें मैं छोड़ने नहीं वाला तुम लोग को लगता है कि तुम मेरे से आए हैं भाग निकलो हैं भाग निकल तो भाग के निकल जाएगा मेरे से रुको तेरी भैंस की टांग रुक 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 साथ में से निकल गया अरे पास में से निकल गया उसकी भैंस की टांग पैसे दे मेरे मुझे पैसे चाहिए किसी भी हालत में इससे पैसे दो मेरे वापस दो पैसे वापस रुको 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 गाड़ी की अच्छी उड़ गई गाड़ी ख़त्म हो गई ठीक है और राइट चलते हैं भाई से बात करते हैं मेरी गाड़ी मेरे पैसे पैसे दे मेरे Alright, the chapter has been completed और भाई साहब वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आज के लिए बस इतना ही अगर तुम लोग को माफिया गेम भाई साहब बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ जो GTA 5 के दीवाने हैं और भाई साहब कोई और गेम ट्राई नहीं कर रहे उन्हें भाई साहब बताओ कि वी आर द रियल चीज और भाई साहब हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है और नए यूट्यूबर के साथ में तो उनको शेयर करो वीडियो और भाई साहब लाइक कर दो तो जल्दी से मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में तब तक के लिए भाई साहब गुड बाय एंड माफिया